बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्तिदा की मैंने अल्लाह ताला के नाम से जितना इबादत के लायक है आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। आज की जो रिवीजन के पॉइंट्स हैं उसमें मेरे हाथ में जो पेज आ रहा है ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग करवाया था मैंने, उसका कोई लेक्चर है। ये बहुत लंबा हमारा कोर्स था, गालिबा 3 या 6 महीने पे मुहित ये कोर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसी की चीज़ है, बच्चे को रुकना सिखाना होगा। बच्चा क्यूरियोसिटी रखता है, बच्चा नई से नई चीज़ें करना चाहता है, उसे करने देना चाहिए है। लेकिन उसे ये बताना है तुमने कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, क्यों रुकना है। यानी कि बच्चे से आपने जब भी बात करनी है बच्चे से आपने दलील के साथ बात करनी है। बग़ैर दलील के मार पिटाई करके आप बच्चे के साथ अगर बात करेंगे तो बच्चा इंतज़ार करेगा बड़े होने का, और फिर वो आपके साथ भी वही सलूक करेगा जो आप उनके साथ कर रहे हो। तो बच्चे को दलील के साथ समझाएं कि उसने ऐसा क्यों करना है। बच्चे के लिए पसंदीदा इंसान, आज के दौर में देखें तो सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ के पसंदीदा बन रहे होते हैं। हम अपने बॉस के पसंदीदा बन रहे होते हैं, हम जिसके साथ इश्क करते हैं लड़के या लड़की के साथ हम उसके पसंदीदा बनना चाहते हैं। यानी कि हम जो हैं वो रब के पसंदीदा बंदा बनना नहीं चाहते, सही है। तो आपने बच्चे को ये सिखाना है कि उसने रब का पसंदीदा बंदा बनना है। इसलिए कि अगर आप किसी बंदे के लिए पसंदीदा बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसकी चॉइस बाद में चेंज हो जाए। मेरे पास एक दौर में एक वो आया, लड़का आया, तो वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था, बाद में उसने किसी दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। तो मुझे कहता है सर वो भी मुझे बुरी नहीं लगती। मैंने कहा क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपकी बात। कहते उसने मेरी खातिर बहुत कुछ बदली किया, वो पर्दा नहीं करती थी उसने मेरी खातिर पर्दा किया, वो बॉयज़ फ्रेंड रखती थी मेरी खातिर उसने बॉयज़ फ्रेंड छोड़ दिए। तो बड़ा हंसा, मैंने कहा यार आपकी खातिर छोड़े देखे आज उसको आप किसी और की खातिर छोड़ रहे हो। मैंने कहा उसने गलती की थी, आप भी गलती कर रहे हो, होना ये चाहिए था वो ये सब काम रब के लिए कर रही होती ना तो तुम जैसे हज़ारों उसके पैरों में गिरे हुए होते। तो बच्चे को आपने ये सिखाना है कि उसको रब का पसंदीदा बंदा बनना चाहिए है। अब ये डिपेंडिंग ऑन यू कि आप उसको किस तरह से बताते हैं। वैल्यूज नाफिज नहीं होती बल्कि एक्सेप्ट किया जाता है। बेसिकली जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम अक्सर बेशतर वो बच्चे पे मुसल्लत कर रहे होते हैं, मुसल्लत नहीं करनी होती। वैल्यूज़ हम अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक लाइफ गुजारेंगे तो खुद ब खुद वो बच्चे के लिए उसका पार्ट बन जाएगा लाइफ का। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपनी वैल्यूज़ को अपने एग्जांपल के तौर पे बताना है। हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आप ना बोले ना, हम कहते हैं बेहया कपड़े नहीं पहनना चाहिए आप ना करो ना, हम कहते हैं जी पढ़ना चाहिए आप यकीन करें, हम बच्चों को मार रहे होते हैं नमाज नहीं पढ़ते, खुद भी नमाज नहीं पढ़ते। हम बच्चे को मार रहे होते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम दिन में 1000 दफ़ा झूठ बोल रहे होते हैं। हम बच्चे को मार रहे होते हैं गीबत नहीं करना चाहिए, पूरा दिन गीबत कर रहे होते हैं। हम बच्चे को डरा रहे होते हैं कि रब इन चीज़ों से नाराज़ हो जाता है और पूरा दिन हम वो नाराज़गी वाले अल्लाह के नाराज़गी वाले काम कर रहे होते हैं। हम पता नहीं क्यों हम बच्चे के लिए रोल मॉडल ही नहीं बनना चाहते। हम जब भी मिसाल दे रहे होंगे किसी दूसरे तीसरे की मिसाल दे रहे होंगे, हमारे पास अपनी मिसाल ही नहीं होती, हम बच्चे के पसंदीदा इंसान बन ही नहीं सकते। तो दैट्स वाइज अपने पे मेहनत करें, अपने लिए रोल मॉडल बने, अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बने, तो फिर तब्दीली खुद ब खुद आ रही होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी भूल है कि आपका बच्चा तब्दील हो रहा होगा। वो अभी ताकत में कमज़ोर है, वो आपकी बातें मान रहा होगा। जहाँ उसकी ताकत इस काबिल हो जाएगी कि वो आपको छोड़ के जा सके, तो आप देखिए ना कितने लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो माँ बाप को छोड़ के जा चुके हैं और उनकी मोहब्बत उन्हें खींच के भी नहीं लाते। उन्हें पता है कि हम इनके जनाजे में भी नहीं आएंगे और उन्हें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अगर टेंशन होती तो वो इस तरह की हरकत ही ना करते। दैट्स ये वाली चीज़ जो है ये
पेरेंटिंग के स्टार्टिंग में आपको सीखनी पड़ेगी। आज की गोल्डन बात, पैसा जो है वो हमारी नीड्स में टॉप 10 में भी नहीं आता। हमारी नीड है जरूर, लेकिन टॉप 10 के बाद की नीड है। तो अपनी नीड्स में इस बात का ख्याल करें कि पैसे को कभी भी टॉप प्रायोरिटी में ना रखें। फैमिली कंप्रोमाइज हो रही होती है, लव वन कंप्रोमाइज हो रहे होते हैं, आपका ईमान कंप्रोमाइज हो रहा होता है, आपकी इबादत कंप्रोमाइज हो रही होती हैं सिर्फ पैसे की हवस की खातिर। और मैंने आपको बताया कि ये टॉप 10 में नहीं, आप उठा के देख लें, मेरा ये एक लेक्चर मौजूद है पेरेंटिंग के अंदर, नीड्स ऑफ चाइल्ड, मैंने उसमें गूगल की बाकायदा रिसर्च डाली हुई है और आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि पैसा जो है वो हमारे टॉप 10 नीड्स में नहीं आता। तो जो चीज आपके टॉप 10 में आती ही नहीं है उसके लिए आप इतनी तगो दो 24 घंटे, उसके लिए झूठ बोलते हैं, उसके लिए आप अपना ईमान बेच देते हैं, उसके लिए अपना किरदार बेच देते हैं, यानी कि उसके लिए आप अपना आप बेच देते हैं। तो गोल्डन बात ये कहती है पैसे को इतनी ही वैल्यू दें जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए है। जरूरत के लिए पैसा है, यानी कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, खुशी गमी में आपको कहीं से लेना ना पड़े। इसके अलावा जितनी भी ऐयाशी के लिए आप पैसे को जमा कर रहे होते हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आप थोड़ी देर के लिए अपने इर्द गिर्द सोचें या फिर आप खुद अपने बारे में ज़रा सोचिएगा कि आप इस पैसे को जो एक्स्ट्रा आप कमाते हो इसके लिए आप कीमत क्या अदा करते हो। वो वक्त जो आपने अपने माँ बाप की खिदमत में देना था वो कीमत, वो वक्त जो आपने अपने बच्चों की तरबियत को देना था वो वक्त, वो वक्त जो आपने इबादत फर्ज और वाजिब इबादत की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तो सुन्नत तो नफली इबादत की बात ही नहीं कर रहा, वो वक्त जो आपने फर्ज और वाजिब इबादत को देना था वो वक्त आप पैसा कमाने को दे रहे होते हो। वो वक्त जो आपने हकूकुल इबाद पूरे करने थे, आप तो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते, आप पड़ोसियों के बच्चों का क्या ख्याल करोगे यार। होना तो ये चाहिए था कि आपको जो 20 घर लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ सारे आपने देखने हैं, लेकिन क्या है, पैसा नबी पैसा खुदा, आपकी हर चीज जो है पैसे से शुरू होती है, पैसे पर खत्म होती है। इतनी बड़ी कीमत, इतनी बड़ी कीमत आप लोग अदा कर रहे हो उस चीज की खातिर जो कि टॉप 10 की नीड्स में भी नहीं आता। तो आज की गोल्डन बात, कभी बैठ के फुर्सत में तन्हाई में जरूर सोचिएगा कि आप इस पैसे को कमाने के लिए क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए मेरे इन लेक्चर्स पे जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वो बूढ़े लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि वो ये सब चीजें गुजार चुके हैं, उन्हें ये बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। हो सकता है नौजवानों ने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया हो, या उन लोगों ने जिनको जो शैतान के नगरे में आ चुके उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया हो, लेकिन उनको कभी ना कभी ये बात जरूर समझ में आएगी जब उनकी अपनी औलाद उनके साथ ये वाला काम कर रही होगी। मेरा ख्याल से मैं अपना पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गया। इस दुनिया और उस दुनिया में गवाही ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तालबे दुआ मोताजे दुआ। अस्सलामुअलैकुम।